इस वाली वीडियो दे विच आपां क्लास दसवीं चैप्टर अपना छेवां चलता पिया तिरभुज अभ्यास 6.3 दे सवाल करने। तो इस तो पिछलियां वीडियो दे विच आपां 6.1 अते 6.2 कर ली सी। जे तुसीं उह नहीं देखियां तां पहला प्लेलिस्ट दे विच जाके 6.1 अते 6.2 उह जरूर देखो, फिर ही तुहानूं जिहड़े अज वाले अपने अभ्यास करनी है 6.3 इह कंसैप्ट आ जिहड़े समझ लगणगे। तो इहदे विच अपने कोल बेसिकली है की आ कि जिमें कि पहले सवाल के अपने को छे भाग आ, छिया के दो जोड़े अपने को तिरभुजा के दते हुए आ, तो आप दसना भी किड़े किड़े जोड़े आ जोड़े समरूप है, तो आप उस समरूपता कसौटी का नाँ लिखना जिदा आप प्रयोग करके उत्तर दिता भी ये समरूप है। तो ये अपनों सब तो पहला की पता होना चाहिए, नाल उन्होंने ये भी कहा कि समरूप तिरभुजा संकेतों रूप के भी दर्शाओ। तो सब तो पहला तो आपां नूं यह पता होना चाहिए कि तिरभुजां की समरूपता हुंदी की है। तो तिरभुजां की समरूपता आपां पढ़दी सी कि जे दो तिरभुजां दे संगत कोण अते संगत भुजावां समान अनुपात दे विच होण तां आपां उन्हां नूं की कहांगे, उह की आ समरूप। तो इस नाल अपने कोल हुण तिरभुजां की समरूपता तां थोड़ा जिहा आपां डिटेल दे विच पढ़ना कि किवें आपां दो तिरभुजां नूं समरूप कहांगे, उन्हां नूं लिखांगे किवें, इस तरह। तो सब तो पहला तो इहदा अपने कोल आ जांदा हुंदा चिन्ह, इह समरूपता दे आपां चिन्ह नूं किवें दसाउंदे आ। तो आह वाला चिन्ह जिहड़ा हुंदा, इह चिन्ह दा मतलब की हुंदा, आपां की कह रहे हां समरूप। जिवें आपां चिन्ह वरत्या सी सरबंग सम दा, सरबंग सम दा जे तुहानूं याद होवे आपां कहा सी ऐ बराबर लिख के उपर कल्ला इंज करके, इहदा मतलब की हुंदा सरबंग समता दा चिन्ह। जे आ कल्ला आह हैगा बराबर है नहींगा तां इहदा मतलब आ समरूपता दा चिन्ह, ठीक आ। हुण होऊगा किवें इहदे विच, जिवें मन के चलो कोई तिरभुज ए बी सी हैगी आ जिहड़ी समरूप आ, इह चिन्ह दा मतलब समरूप किसे डी ई एफ दे। हुण दो तिरभुजां दोनों अपने कोल की आ समरूप आ, तां इहदे तों आपां की सिट्टे कढ सकदे आ। तां इहदे तों आपां जिहड़े सिट्टे कढ सकदे आ उह आपां लिखदे आ। सब तों पहला देखो इहदा पहला कोण की आ ए, इहदा पहला कोण डी, तां इहदा मतलब कोण ए कहदे बराबर होऊगा कोण डी दे। दूजा इहदे तों आपां सिट्टा ए कढांगे, इहदा दूजा अक्षर बी आ, इहदा ई आ, इसदा मतलब कोण बी कहदे बराबर आ कोण ई दे। तीजा अपने कोले देखो इहदा तीजा अक्षर हैगा सी, इहदा हैगा एफ, इसका मतलब कोण सी कहदे बराबर होगा कोण एफ दे। तो जदों भी आपां नूं दो तिरभुजां इस तरह समरूप दित्तियां होण, तीन तां उहनां दे कोण आ जिहड़े संगत कोण, वी सामने वाले कोण की होणगे एक दूजे दे बराबर, अते इस दे नाल अपने कोले की होगा कि जिहड़ियां इहदे कोले पहले दो अक्षर की आ ए बी, इहदे कोले पहले दो अक्षर की आ डी ई, ए बी अते डी ई दा जिहड़ा अनुपात आऊगा वह कि बराबर होगा, इहदी दूजी तीजी अक्षर किहड़े आ बी सी, इहदा की आ ई एफ, बी सी वटा ई एफ दे, ते बराबर इहदे भी होगा इहदा पहला ते तीजा अक्षर किहड़ा सी ए, ते इहदा पहला तीजा अक्षर की आ एफ डी, तो ये भी बराबर होणगे। तो जदों हुण कोई अपने कोल समरूप तिरभुजां की गल करनगे आपां कह दांगे एक तो उन्हां दे तीन आमो सामने वाले कोण बराबर आ, एक आह वाला अपने कोल जिहड़े इन्हां दे अनुपात होणगे भुजावां दे, जिवें ए बी दे सामने डी ई पई आ ए बी वटा डी ई, बी सी दे सामने ई एफ आ बी सी वटा ई एफ, सी ए दे सामने हैगा एफ डी तो सी ए वटा एफ डी, ये तिन्नां दा अनुपात आ जिहड़ा ये भी की होगा बराबर होगा, ठीक है। तो इत्थे एक छोटी जी गल होर नोट करन वाली आ इंपोर्टेंट आ, वो गल की है कि जे आपां किसी तिरभुज ए बी सी नूं कहता कि वह सरबंग सम सॉरी समरूप आ किसी तिरभुज डी ई एफ दे, तां असीं इस नूं जिहड़ा अपने कोल तिरभुज आ तां इन्हां दोनां तिरभुजां नूं आपां इस तरह नहीं लिख सकते भी तिरभुज ए बी सी समरूप होगी तिरभुज हुण डी ई एफ दे समरूप आ ये, पर इहदे तों आपां ये नहीं सिट्टा कढ सकते भी आपां अक्षरां नूं उल्टा दईए भी ये किहदे बराबर होगी, ई नूं पहला लिख दईए डी ई फिर लिख गए फिर एफ लिख गए भी ई डी एफ, जां ये लिख दईए आपां कि तिरभुज ए बी सी समरूप होगी तिरभुज एफ नूं पहला लिख दईए एफ ई डी,
ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਿਰਪ ਜਾਂ ਦੋ ਸਮਰੂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੇ ਤਿਰਪ ਜਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੂਪ ਆ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਵੀ ਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ, ਡੀ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਐੱਫ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ, ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ। ਸਮਰੂਪਤਾ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਸੌਟੀਆਂ। ਕਸੌਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕ੍ਰਿਟੀਰੀਆ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਰੀਆ, ਵੀ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ ਐਂਗਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਣ ਕੋਣ ਕੋਣ। ਤੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸੌਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਆ ਜੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਸੌਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦੀ ਆ ਏ ਏ, ਇਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਿਰਭੁਜ ਦੇ ਦੋ ਸੰਗਤ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਸਮਰੂਪ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 180। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਤੋਂ ਜਾਂ ਡਬਲ ਏ ਕੋਣ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣੀ ਆ। ਤੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਏ ਭਾਗ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਦੂਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਸੌਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਸ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ ਸਾਈਡ, ਕਿ ਭੁਜਾ ਭੁਜਾ ਭੁਜਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੋ ਇਸ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਭੁਜਾ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐੱਸ ਨਾਲ ਸਮਰੂਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ। ਨੰਬਰ 3, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਂਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ। ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਣਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਕੀ ਆ? ਸਮਰੂਪਾ। ਕਸੌਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ, ਮਤਲਬ ਭੁਜਾ। ਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਗਲ, ਕੋਣ, ਭੁਜਾ। ਤੋ ਇਹ 3 ਕਸੌਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਸੇ ਦੇ ਭਾਗ ਆ ਡਬਲ ਏ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਆ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਆ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਾਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨਾਂ 'ਤੇ।
तो फस्ट अपने को क्वेश्चन हैगा कि आप तिरभुजा के जोड़े के दसना भी कि जोड़ा जोड़ा तिरभुजा का समरूप हैगा। तो ये देखिए तो आप पहले भाग के पहले दे पहले भाग के कोण ए साठ आदा कोण पी साठ आ तो कोण ए बराबर कोण पी एदा बी अस्सी है यदा क्यू अस्सी है तो कोण बी बराबर बी कोण क्यू एदा कोण अपने को सी चाली है यदा आर चाली है मतलब कोण सी बराबर कोण आर। तो आप हूँ ही कसौटी करके हटे हैं अपना कि जे अपने को दो तिरभुजा दे संगत कोण तिने बराबर हो जाए तो आप कह देंगे ट्रिपल ए नाल ए दोनों तिरभुजा की आ समरूप आ। तो आप लिख दें उ चीज़ लिखनी आप की लिखांगे कि ए ए ए कसौटी द्वारा जिहड़ी तिरभुज पहली आ ए बी सी तिरभुज ए बी सी समरूप होगी कि हुण इह आपां नूं देखना पैना भी दूजी तिरभुज का नाम की है। तो ए दे सामने की किहदे बराबर सी पी दे तो इत्थे आऊगा पी इस तों बाद बी आ बी किहदे बराबर सी क्यू दे दूजे नंबर ते क्यू सी किहदे बराबर सी आर दे तो तीजे नंबर ते आर। तो अपने को जो पहला सवाल ये तिरभुज ए बी सी समरूप आ कि तिरभुज पी क्यू आर दे। नैक्सट देखते हम इसका दूजा भाग तो दूजे भाग के अपने को देखो कि एक लंबाई दिती है ए बी सी दे दो तीन तो दो पॉइंट पांच ये दिता चार पांच तो छे जे आप ध्यान देखिए तो आ जिन्ने सारे दे दुगने इधर लिखे हुए आ दो का दुगना चार तीन का दुगना ये को पिया छे दो पॉइंट पांच का दुगना कि पांच वह इतने पिया तो यह की दिता वा कि हम संगत भुजावं दतिया कि जोड़ा अपने को ए बी आ जे आप हूँ पात क्ढगी कि इस नाल क्यू आर नाल का बराबर होगा ए बी बराबर हैगा दो क्यू आर कि बराबर आ चार तो दोनों दो दे पाड़े उपर आते एक दूनी दूनी दो दूनी चार तो कि आ गया एक वटा दो। इस तरह आप देखिए ए सी वटा ए सी तीन आ इधरों पी क्यू कि छे वटे दे विच पी क्यू कर देंगे तो कि बन जूगा तीन वटा छे ये दोनों तीन दे पहाड़े उपर कट्टे गए तो यह बन गया एक वटा दो भी अनुपात एको जा गया। ये देखिए बी सी तो इतों देखिए पी आर तो बी सी वटा पी आर बी सी हैगा दो पॉइंट पांच वटे दे पी आर कि पांच तो पॉइंट वाली संख्या आप वटे वाली बना लें तो पहला तो इनू लिख दो पॉइंट तो बिना की है पच्ची वटे दे एक लिख के पॉइंट तो बाद किन्ने अखर आ एक तो एक दे नाल एक जीरो तो दो पॉइंट पांच नूं आपां की लिख लिया पच्ची वटा दस नाल गुणा दे विच की पिया सी पांच तो जे हुण आपां इहनूं कट गए तो पांच एकम पांच 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 पच्ची किन्ना रह गया पांच वटा थले रह गया दस एकम दस दोनों पांच दे पहाड़े उपर फिर कट्टे गए किन्ना आ गया एक वटा दो। तो इत्थों आपां देखिया कि ए बी वटा क्यू आर ये भी एक वटा दो आया कि बराबर आया ए सी वटा पी क्यू दे क्योंकि यह भी एक वटा दो सी ते ए बी सी वटा पी आर दे बराबर आ क्यों क्योंकि यह भी एक वटा दो सी। तो की कसौटी अपने को लगी देखो कि दो तिरभुजा दियां संगत भुजावां दा जिहड़ा अनुपात आ वह की आ गया समान आ गया मतलब बराबर आ गया संगत भुजावां दा अनुपात अनुपात का मतलब की हुंदा उहनां दा वटा वटा हुण अपने को इहनां दा की आ गया सारिआं दा बराबर ता करके इत्थे आपां की लिख देंगे कि एस 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 द्वारा जिहड़ी अपनी तिरभुज पहली सी तिरभुज ए बी सी किहदे समरूप होगी तिरभुज हुण ए बी दे नाल की पिया अपने कोले थले क्यू आर तो इत्थे पहला आऊगा क्यू आर तो क्यू आर तो लिख लिया अपने कोले लिखण वाला की रह गया पी तो तिरभुज ए बी सी समरूप होगी तिरभुज क्यू आर पी दे। ये बच्चे की गलती करते हो सीधा लिख देंगे भी तिरभुज ए बी सी समरूप तिरभुज पी क्यू आर भी यदा नाम पी क्यू आर पर वो की होजूगा गलत होजूगा। आप देखना भी ए बी है इतने पहले दो नंबर पर तो ए बी के सामने की सी संगत भुजा क्यू आर इतने क्यू आर रह गया सी इधरों इधरों रह गया सी पी इतने आजूगा पी तो हो पा तो क्लीयर होगा। नैक्सट देखते हम इसका भाग नंबर तीन।
भाग नंबर तीन दे अपने कोई आह दिता वा एल एम पी ये अपने को भुजावां की लंबाई दिती है। तो देखो अपने को सब तो पहला जे आप भुजा सिलैक्ट करिए एल एम, ठीक है एल एम भुजा सिलैक्ट की यह हैगी अपने को 2.7 ये मिलती जुलती कोई भुजा कोई भी है नहीं, मतलब अपन होर भुजा लेनी पैनी है। होर भुजा आप सिलैक्ट कर लें मान के चलो आ एल पी हैगी तीन, तो किसी हिसाब के नाल इधर तीन तो कुछ बनता पाया, चार बन सकता नहीं बन सकता, पांच नहीं छे बन सकता क्योंकि तीन दूनी कि होंगे छे, तो एल पी वटा कि आजूगा डी एफ, एल पी अपने को तीन आ डी एफ है छे, दोनों कट के आ गए एक वटा दो, तो यह अनुपात आ गया एक वटा दो। इस तरह एम पी, एम पी अपने को दिता वा ये दो दिता, तो इधर जे आप डी ई देखिए चार आ, तो यह भी आप बन सकता दो गुणा दो करके चार, तो ये वटे लिख दें डी ई ये कि आ गया दो वटा चार कट के कि आ गया एक वटा दो। हाँ रह गया अपना एल एम, तो इधरों अपना रह गया सीगा ई एफ, तो एल एम वटा ई एफ, एल एम हैगा 2.7 तो ई एफ कि पांच। आप पिछले क्वेश्चन के भी करके हटे हैं, तो वटे नूं आपां किवें कट्टीदा हुंदा कि पहला वटे तो पॉइंट तो इहनूं बिना लिख लो 27, वटे दे विच की लिख देंगे 10, तो 2.7 का मतलब की है 27 वटा 10 नाल गुणा दे विच 5। हुण उपर हेठां कुछ भी नहीं कट्टिया जाता, तो यह रह गया 27 वटा 50। तो आ दो भुजावां का अनुपात आ गया 27 वटा 50, इन्हां दा आया सी एक एक वटा दो, इहदा मतलब आपां कह दांगे कि यह दो जिहड़ियां अपने कोल त्रिभुजां ये समरूप नहीं हन, ये समरूप नहीं हन, ठीक है। तो यह सी अपना थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर चार दे विच लिखिया उन्होंने एक कोण दिता होया ते दो दो भुजावां दित्तियां, तो सब तो पहला कोण एम कादे बराबर आ कोण क्यू दे, तो यह लिख दें आप कि कोण एम बराबर कोण क्यू, दोनों किन्ने डिग्री दे 70 डिग्री दे। इस तो अगे हुण पांच तो पांच बन सकता, बन सकता पांच एकम पांच, ठीक है 10 भी बन सकता पांच दूनी 10। दूजी भुजाएगी 2.5, तो ये तो आपां पांच बना सकते हैं दो नाल गुणा करके, तो पांच नूं तो भी दो बना सकते हैं 10 पांच दूनी 10 करके, इहदा मतलब जिहड़ी आ एल एम आ ये किहदे बराबर लिखांगे आपां एल एम वटा क्यू आर, एल एम वटा क्यू आर लिखांगे क्योंकि एल एम अपना पांच आ क्यू आर 10 आ, दोनों पांच दे भाड़े उपर आ गए तो एक वटा दो बन गया इन्हां दा अनुपात। इस तरह हुण इधरले पासे हैगा एम एन, यह हैगा अपने को पी क्यू, तो एम एन वटा पी क्यू, एम एन वटा पी क्यू, तो एम एन आप 2.5 दिता पी क्यू दिता 5, तो आप इतने भी कट के हटे से 2.5 जे 5 नाल भाग करा आंसर कि आना गाँह जाके एक वटा दो आ जाना। तो आप देखिया कि दो तो अपने को भुजावं जिहड़ियां संगत भुजावं उन्हां दा अनुपात बराबर आ, तो उन्हां दा एक वटा दो एक वटा दो आ, एक इन्हां दे विचाले कोण बराबर आ, तो आप लिख देंगे कि किहड़ी कसौटी आप वरती है एस ए एस भुजा कोण भुजा द्वारा जिहड़ी त्रिभुज पहली अपने कोल इहदा नाम लिख लईए आप एल एम एन, एल एम एन ये समरूप होगी कि त्रिभुज। हुण इत्थे पहले दो अक्षर लिखे आप एल एम, तो एल एम के संगत किहड़े दो अक्षर आ क्यू आर, इत्थे क्यू आर लिखांगे, हुण क्यू आर लिख लिया मगर की लिखण वाला रह गया पी, तो इत्थे आजूगा पी। तो इस तरह ही तुसीं देखिया करना कि किवें आपां क्वेश्चन जिहड़े अपने करने आ। अगे भाग नंबर पांच दे विच वी अपने कोल दो भुजावां दित्तियां एक कोण आ, तो पहला तो आप लिख लेंगे कोण ए का बराबर आ कोण एफ दे, दोनों अपने को 80-80 डिग्री के कोण आ। इस तो अगे आपको पता 2.5 तो आप बना सकते हैं, ठीक है तो ये की अपने को ए बी वटा पांच कि अपने को भुजा डी एफ, तो 2.5 वटा पांच,
तो आप इनू हल करके हटे हैं, पहला भी तो आंसर कि आना यदा एक बटा दो। ठीक है, इस तो बाद अपने को वाली भुजा बी सी तीन तो आ वाली ई एफ हैगी छे, पर आपां नूं कि भुजा चाहिए है? देखो आ वाला कोण हो गया, आदि नाल लगती एक भुजा, आपां नूं इत्थे भुजा चाहिए है। कोण कित्थे चाहिए सी? विचाले, जिवें इहदे विच दित्ता होया एक भुजा भुजा कोण, तो भुजा कोण भुजा फिर ही आपां कहिंदे आ, पर इन्होंने भुजा इत्थे दित्ती हुई है, मतलब आपां नूं कि भुजा चाहिए सी? ए सी। जे आ ई एफ दिता वा, ई एफ कादे वटे दे विच आउणा सी? ए सी दे। हुण ई एफ तां उन्होंने छे देता, पर जिहड़ा ए सी है अपने कोले उह तां है नहीं गा अपने कोले, तां करके कह दांगे इत्थे कि ए सी भुजा नहीं दित्ती हुई, नहीं दित्ती, तां करके ये दोनों त्रिभुजां आपस दे विच समरूप नहीं हैं, समरूप नहीं हैं। ये देखने वैसे ये लगता है भी आ बी सी वटा आप ई एफ लिख देंगे तीन वटा छे, यदा भी आंसर एक वटा दो आजूगा तो समरूप हो जाएगा, पर नहीं, क्योंकि आ अपने को वक्री आ जिहड़ी अपने को आपां कसौटी ध्यान नाल देखो एस एस दे विच आपां की लिखिया सी, एक कोण अते इन्हां कोणां नूं बनाउण वालियां भुजावां समान अनुपाती होण, मतलब जिहड़ियां इन्हां नूं बनाउण वालियां भुजावां वह समान अनुपात दे विच होणियां चाहीदियां, जिहड़े कोण नूं बनाउंदियां पंगा। इत्थे अपने कोले कोण नूं किहने बनाया सी? एक तो ए बी भुजा ने बनाया सी, एक ए सी ने। ए बी भुजा तो ठीक सी, पर ए सी तो अपने कोले भुजा ही है नहीं सी, तां करके दोनों त्रिभुजां समरूप नहीं हैं। छेवां, छेवें दे विच अपने कोले हैगा कोण एक सत्तर, एक अस्सी, एक अस्सी, एक तीह, तो देखण ते तां यही लग रहा कि यह अपने कोले बराबर नहीं होने, पर एक चीज़ देखो कि आपां नूं पता तिन्नां कोणां दा जोड़ किन्ना हुंदा? एक सौ अस्सी। तो जे हुण आपां देखिए आ दोनों का जोड़ कि बन गया, अस्सी दे विच सत्तर जोड़ गए बन गया एक सौ पचास, तो टोटल एक सौ अस्सी है, तो इत्थे किन्ना आजूगा? तीह डिग्री। इत्थे बन गया अस्सी ते तीह एक सौ दस, तो टोटल एक सौ अस्सी बनाउणा आपां तां एक सौ दस तो बन गया, किन्ना इत्थे आऊगा? सत्तर डिग्री। हुण इहनूं देखो भी की बनता, तो आपां देखिया कोण डी किहदे बराबर है? इधरले कोण पी दे, दोनों की है सत्तर सत्तर डिग्री दे। कोण ई ते कोण क्यू दोनों ए भी बराबर अस्सी अस्सी डिग्री दे। इस तरह कोण एफ ते कोण आर ए दोनों बराबर तीह तीह डिग्री दे, मतलब आप इत्थे लिख देंगे ट्रिपल ए के कोण 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 द्वारा जिहड़ी अपनी त्रिभुज पहली सीगी त्रिभुज डी ई एफ ये समरूप होगी कि त्रिभुज दे? डी दे बराबर की है पी, इत पी। ई दे बराबर की है क्यू, इतने क्यू। एफ दे बराबर आर आ, इतने आर। तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप होगी त्रिभुज पी क्यू आर दे। तो ये अपने पहले छे क्वेश्चन, हुण इसका देखते हैं आपां क्वेश्चन नंबर दो। अगे क्वेश्चन नंबर दो दे विच लिखा कि चित्र 6.35, मतलब इस दे विच त्रिभुज ओ डी सी समरूप हैगी है त्रिभुज ओ बी ए दे, मतलब आह वाली ओ डी सी त्रिभुज आ थले वाली त्रिभुज ओ ए बी दे समरूप आ दोनों, तो कोण जिहड़ा बी ओ सी आह वाला एक सौ पच्ची दिता, सी डी ओ आह वाला सत्तर डिग्री दिता, आपां कोण पता करना हैगा डी ओ सी डी सी ओ ओ ए बी, ये तीन कोण पता करने हैं। तो सब तो पहला आप देखते हैं कोण डी ओ सी कित्थे बनता पिया, तो डी ओ सी आ वाला कोण यदा नाम आ डी ओ सी। तो जे आप ध्यान नाल देखिए तो आ वाली एक अपने को सीधी लाइन आ, डी ओ बी एक सीधी रेखा है, डी ओ बी एक सरल रेखा है, तो आपको पता जिहड़ी एक कोई भी सरल रेखा होवे सीधी रेखा होवे उहदे उपर जिहड़े कोणा दा जोड़ आ वह की हुंदा 180 डिग्री, क्योंकि वह बन जाता हुंदा रेखी जोड़ा, तो इहदे उपर दो कोण बनते पए आ कोण डी ओ सी, तां करके कोण डी ओ सी जोड़ एक आह वाला कोण बनता पिया, इहदा नाम की आ बी ओ सी। ये दोनों का जोड़ कदे बराबर होगा 180 डिग्री दे, ब्रैकट के कारण यदा हैगा रेखी जोड़ा। ठीक है,
तो हम देखो आप डी ओ सी का तो मुल पता करना, इनू उस तरह लिखता जोड़ बी ओ सी कि दिता वा 125 कादे बराबर है 180 डिग्री दे। तां जिहड़ी चीज़ का मुल पता करना आपां डी ओ सी का, ये नाल अपने कोले वाधू हैगा जोड़ दा 125 जिहड़ा कि उधर जाके बन जूगा घटाओ दा 125 डिग्री। तो 180 दे विच्चों जे आपां 125 माइनस करांगे कि ना आजूगा 55 डिग्री। तो जिहड़ा आपां कोण डी ओ सी पता करना सी वह कि आ गया 55 डिग्री, एक कोण तो लभ लिया। नैक्सट आपां कोण पता करना हैगा कोण डी सी ओ, तो डी सी ओ पहला देखो कित्थे बनता, तो डी सी ओ पहला इहनूं लिख दिए आ गया 55 डिग्री। डी सी ओ आ वाला कोण इत्थे जिहड़ा बनता पिया, तो हुण जे आपां देखिए तो अपने कोल एक तिरभुज आ बनती पई है उपर डी ओ सी, एक तिरभुज आ इहदे विच दो कोण आपणूं दित्ते आ, आपां नूं पता तिन्नां कोणां दा जोड़ इहदे विच किन्ना होऊगा 180 डिग्री। ठीक है, तो इत्थों आपां तीजा कोण कढ सकदे आ, तो इत्थे लिख दिंदे आ कि तिरभुज डी ओ सी विच की अपने कोल के 70 डिग्री जोड़ 55 डिग्री जोड़ आह वाला कोण, इहदा नाम की है डी सी ओ, कोण डी सी ओ तिन्नां दा जोड़ कादे बराबर होगा 180 डिग्री दे। ठीक है, तो हुण 17 दे विच 55 आपां जोड़ दईए, 70 दे विच 50 जोड़ांगे 120 तां बन जूगा 125 डिग्री। जोड़ डी सी ओ कादे बराबर है 180 डिग्री दे, तो आपां मुल पता करना हैगा कोण डी सी ओ दा, इहदे नाल अपने कोल वाधू हैगा जोड़ दा 125 जिहड़ा कि इधर जाके बन जूगा घटाओ दा 125। तो पहला भी आप घटा के हटे हैं 180 दे विचों 125 घटाए 55 डिग्री, तो इसका मतलब जिहड़ा आप कोण डी सी ओ पता करना सी वह भी किन्ना आ गया 55 डिग्री, मतलब आह वाला कोण भी किन्ना 55 डिग्री। इस तो बाद कोण आप पता करना हैगा ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी तो पहले देखो इत्थे बनता पिया ओ ए बी आह वाला कोण, लास्ट अपना यही पता करने वाला रह गया। तो हुण आपां नूं देखो आ दिता होया कि तिरभुज आ जिहड़ी ओ डी सी समरूप आ तिरभुज ओ बी ए दे, आपां कहा सी हुण इहनां दे संगत कोण की होणगे आपस दे विच बराबर, तो आपां नूं की चाहिए हैगा कोण ओ ए बी, तो यह किहदे बराबर होगा देखो ओ तो पहला उवें लिखी रहनती, तो इहदा पहला अक्षर भी उवें लिखिया रहन दो ओ, इस तो बाद ए बी चाहिए आपू पर अपने को लिखा सी इतने बी ए, मतलब इनू उल्टाता, तो जे इनू उल्टाता तो इन्हों दोनों उल्टा पैना, इतने डी सी लिखा वा तो इनू की कर देंगे सी डी। तो जोड़ा कोण ओ ए बी आ ये किड़े कोण के बराबर होगा कोण ओ सी डी दे, ओ सी डी अपने को आह वाला कोण आ, तो आपू पता कि जोड़ा अपने कोण ओ सी डी आ वो आप हूँ ही कढ के हटे हैं वो कि आया अपने को 55 डिग्री आह वाला ओ सी डी आ 55 डिग्री। तो अपने को जो आ पता करना सीगा तीजा ये भी कि आ गया 55 डिग्री, तो जेडे आप तिने कोण पता करने से तिने अपने को किन्ने आ गए 55 डिग्री। नैक्सट देखते हैं इसका सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दे विच अपने कोले लिखिया कि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिस विच ए बी जिहड़ी भुजा अपने कोले उह समांतर हैगी है डी सी दे, ते इन्हां दे विकर्ण ए सी अते बी डी आपस विच ओ बिंदू ते कटदे हन, तां आपां दो तिरभुजां दी समरूपता कसौटी का प्रयोग करदे होए दिखाओ कि ओ ए वटा ओ सी बराबर है ओ ए वटा ओ बी वटा ओ डी। तो सब तो पहला तो यदि डायग्राम अपन ड्रॉ करनी पैनी है क्योंकि चित्र ये नहीं दिता हुआ, तो एक समलंब चतुर्भुज बना लाँगे। तो समलंब चतुर्भुज का मतलब यह हों जिदे भुजावान का एक जोड़ा समांतर हो। ठीक है, तो मन के चलो आ अपनी कोई तिरभुज आ ए बी सी डी जिदे आप ए बी भुजा ये समांतर ले ली सी डी दे जिमें कि क्वेश्चन किया गया, एक तो बाद विकर्ण लेने आप ए सी बी डी, तो आ विकर्ण अपने को बन गया ए सी, तो इस विकर्ण का नाम आ गया बी डी। ओके,
ਦੋਨੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਕੱਟਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਸਿੱਧ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਸਿੱਧ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਓ ਏ ਵਟਾ ਓ ਸੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਓ ਬੀ ਵਟਾ ਓ ਡੀ ਦੇ। ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੂਪਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਆਪਾਂ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੂਪ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਣਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਲੱਗੀ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਤਿਰਭੁਜ ਲੈਣਗੇ, ਇੱਕ ਆਹ ਲੈਣਗੇ, ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤਿਰਭੁਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਓ ਡੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਿਰਭੁਜ, ਸਬੂਤ ਲਿਖ ਲਈਏ, ਪਰੂਫ ਕਿ ਸੀ ਓ ਡੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਤਿਰਭੁਜ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਆਹ ਵਾਲੀ ਏ ਓ ਬੀ, ਅਤੇ ਤਿਰਭੁਜ ਏ ਓ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਹ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏ ਓ ਬੀ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ ਸੀ ਓ ਡੀ ਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਲਿਖਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਸਿਖਰ ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ, ਸਨਮੁਖ ਕੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਏ ਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਡੀ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੈੱਡ ਵਾਲੇ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈੱਡ ਇੱਥੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਆਹ ਤਿਰਭੁਜ ਦਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕੋਣ ਬਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਜੈੱਡ ਵਾਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਓ ਸੀ ਡੀ, ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਣ ਇਸ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਓ ਏ ਬੀ, ਓ ਏ ਬੀ ਦੇ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੈੱਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੈੱਡ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਜੈੱਡ ਬਣਾ ਲਈਏ ਇੱਧਰੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰੋਂ, ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਣ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਕੋਣ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਰਾਬਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਓ ਡੀ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਕੋਣ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਓ ਬੀ ਏ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਇਕਾਂਤਰ ਕੋਣ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਏ ਕਸੌਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਤਿਰਭੁਜ ਸੀ ਓ ਡੀ ਸਮਰੂਪ ਹੋਊਗੀ ਤਿਰਭੁਜ ਏ ਓ ਬੀ ਦੇ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਟੇ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸਮਾਨ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੋ ਤਿਰਭੁਜਾਂ ਸਮਰੂਪ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣ ਵੀ ਤਿੰਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਭੁਜਾ ਏ ਬੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਡੀ ਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਅੱਖਰ ਕੀ ਹੈ ਸੀ ਓ, ਮਤਲਬ ਸੀ ਓ ਵਟਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਏ ਓ ਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ ਓ ਡੀ, ਵਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਓ ਬੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੀਜਾ ਕੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਲਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏ ਓ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਓ ਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਿਆ ਜਾਊਗਾ ਉੱਪਰ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬਣ ਗਿਆ ਓ ਏ। ਤਾਂ ਆਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਓ, ਮਤਲਬ ਓ ਸੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਓ ਬੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਓ ਡੀ ਆ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਓ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਓ ਏ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ,
क्योंकि की आ भुजा का नाम ही आ जिमें आ भुजा आह वाली कोई तो इन पढ़ दूगा ओ ए आह वाली कोई कह दूगा ए ओ तो आ दोनों का मतलब एक ही होंगे। तो यह सी अपना सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 4 दे विच दिता कि चित्र विच क्यू आर बटा क्यू एस बराबर है क्यू टी वटा पी आर अते कोण एक अते कोण दो आ बराबर आपां इह दिखाउणा कि त्रिभुज पी क्यू एस तो आह वाली त्रिभुज पी क्यू एस छोटी समरूप आ त्रिभुज टी क्यू आर दे वड्डी त्रिभुज दे। तो जे आपां ध्यान दे नाल देखिए तो अपने कोल इत्थे 3 त्रिभुजां बनदियां पईआं पहला तो तिने आपां नूं बनाउणियां पैणियां। एक तो त्रिभुज अपने को बनती पई है पी क्यू एस इत्थे हैगा कोण एक, एक त्रिभुज आ बनती पई है अपने को वड्डी आह वाली जिहड़ी हैगी है टी क्यू आर जिहदे विच इत्थे एक कोण आ, एक अपने कोण दो वाली भी त्रिभुज बनती पई है तो इहदा नाम आपां देखिए ध्यान दे नाल तो इहदा हैगा पी क्यू ते आर आह वाली त्रिभुज इन्नी आह वाली इत्थे हैगा कोण दो। तो हुण अपने कोले उन्होंने दिता की होया देखो दिता उन्होंने ये है कि क्यू आर वटा क्यू एस कादे बराबर आ क्यू टी वटा पी आर दे। तो एक तो यह चीज़ दिती है, एक उन्होंने ये दिता कि कोण जिहड़ा एक आ वह किहदे बराबर आ कोण दो दे। ये चीज़ा आपां नूं सारियां दित्तियां है दिता है। अपना सिद्ध की करना है, सिद्ध अपना ये करना कि जिहड़ियां दो त्रिभुजां आह वालियां त्रिभुज पी क्यू एस ये समरूप होनी चाहिए है त्रिभुज टी क्यू आर दे। ठीक है, ये वाली चीज़ आपां दिखाओ के जां सिद्ध करनी है तां इत्थे सबूत लिखते हैं। तो हुण आह वाली त्रिभुज अपने कोल कित्थे पी क्यू एस आह वाली त्रिभुज आ पई आ जिहदा नाम हैगा पी क्यू एस तो टी क्यू आर ये आ पई है टी क्यू आर तो दोनों के कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्यों क्योंकि दोनों को कोण हैगा ये लिख दें आप ब्रैकेट के सांझा कोण। ठीक है, होर इन देखो की बराबर आ, होर आपू फिलहाल दोनों कुछ भी बराबर नहीं लग रहा। तो यह एक तीजी त्रिभुज भी हैगी है जिदे कोण दो इन्होंने ये भी दिता हुआ कोण एक कि बराबर आ कोण दो। तो इतों आप सिट्टा कढ़ सकते हैं कि जदों अपने को दो कोण बराबर होंगे आ त्रिभुज दे विच तो उन्होंने सणमुख भुजावां भी की होंगे बराबर। तुसीं एक प्रॉपर्टी पढ़ी होनी है कि बराबर कोणां दीआं सणमुख भुजावां भी की होंगे बराबर, सणमुख भुजावां बराबर होंदियां हन, भुजावां बराबर होंदियां हन, बराबर होंदियां हन हुंदियां। तो हुण देखो ध्यान दे नाल कोण एक ते कोण दो दोनों बराबर आ तो कोण एक दे सामने किहड़ी भुजा पी आर ये कादे बराबर होगी कोण दो दे सामने भुजा किहड़ी है पी क्यू दे। तो यह समीकरण नंबर बन गई एक। एक आपां नूं उन्होंने ये दिता होया तो जे आपां पी आर इहदे विच मुल पी क्यू भर दईए तां देखो की बनता क्यू आर वटा क्यू एस कादे बराबर आ क्यू टी वटा पी आर दे, पर आपां इहदी थां ते आह मुल जिहड़ा आपां हुणी लभिया भरता पी क्यू तो इहदे ते की असर होया देखो क्यू आर वटा क्यू एस इहदी भुजा हैगी है क्यू आर इहदा अनुपात क्यू एस नाल इहदे नाल आह दोनों त्रिभुजां नूं आपां समरूप सिद्ध करना इन्हां दा अनुपात किहदे बराबर आ इहदी भुजा क्यू टी ते इहदी भुजा किहड़ी हैगी पी क्यू। तां की होया अपने कोले कि आह दोनों भुजावां दा अनुपात तो आह वालियां दोनों भुजावां दा अनुपात की आ गया बराबर तो एक इन्हां दा विचाले वाला दोनों का कोण बराबर सी तां करके आपां कह दांगे कि किहड़ी कसौटी एस ए एस कसौटी द्वारा आपां की सिट्टा कढ सकते हैं कि जिहड़ी आह वाली त्रिभुज आ जिहदा नाम हैगा पी क्यू एस ये समरूप होगी किहदे पी दे सामने देखो की आ हुण पी क्यू दे सामने हैगा क्यू टी मतलब टी क्यू आर दे जिहड़ा कि आपां सिद्ध करना सी तो ब्रैकेट दे विच लिख दांगे सिद्ध कीता। ठीक है, तो मेन इहदे विच समझण वाला इही सी कि अपने कोल 3 त्रिभुजां इहदे विच बनदियां सी पहलां तुसीं की करना हैगा तिन्नां नूं अलग अलग बना लेना
फिर आप दो त्रिभुजा समरूप सिद्ध करना सी। तो इन्हां दे विच एक तो कोण, एक तो दोनों दे विच सांझा पहले ही दिखता पिया सी वी कोण क्यों इहदे कोले वी हैगा इहदे कोले वी हैगा। दूजी चीज़ अपने कोले कित्थों आउणी सी, तीजी त्रिभुज दे विच कोण एक ते कोण दो बराबर दित्ते सी, तो उत्थों आपां प्रॉपर्टी लाती कि बराबर कोणां दीआं सनमुख भुजावां वी की हुंदीआं बराबर, मतलब इहदे सामने जिहड़ी पी क्यू आ ते इहदे सामने पी आर इह दोनों की होणगीआं बराबर। तो एक उन्होंने आह हिंट दिता होया सी आपां, आपां इहदे विच पी आर दा मुल भरता तो आह अपने कोले बन गया। जदों आह वाली चीज़ आपां बन गई तो आपां इत्थे देखिआ वी क्यू आर वटा क्यू एस, इहदा क्यू आर इहदा क्यू एस, इहदा क्यू टी ते इहदा क्यू पी जां पी क्यू, इन्हां दा अनुपात भी बराबर आ, दो बराबर अपने कोल अनुपात आ गए भुजावां दे विचाले कोण बराबर आ, तां करके एस ए एस कसौटी द्वारा ये दोनों त्रिभुजां की होणगीआं समरूप होणगीआं। तो इस वाली वीडियो दे विच आपां क्वेश्चन नंबर चार तक ही अपने सवाल करने सी, नैक्सट वाली वीडियो दे विच हुण आपां जिहड़े पार्ट टू दे विच अगले क्वेश्चन जिहड़े रह गए उन्हां नूं डिस्कस करांगे।